दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 को अभी काफी लंबा समय जो है वो बाकी है, लेकिन अभी से ही सभी फ्रेंचाइज जो है वो तैयारी में लग चुकी है अपनी एक बेस्ट टीम, अपना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन IPL 2020 में बनाने के लिए। जहां पर दोस्तों ज्यादातर जो टीमें हैं अपने सपोर्टिंग स्टाफ को चेंज कर रही है, सपोर्टिंग स्टाफ में हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच को जो है वो कर रही है चेंज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 टीमों के हेड कोच की कि कौन कौन सी टीमें जो है अपने हेड कोच को चेंज कर चुकी हैं, कौन कौन सी टीमें अपने हेड कोच को चेंज करने वाली हैं और कौन कौन सी ऐसी टीमें हैं जो कि सेम हेड कोच के साथ IPL 2020 भी खेलती हुई हमें नजर आएगी। तो 8 टीमों की हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहां पर सबसे पहली टीम जिन्होंने अपना नया हेड कोच अपॉइंट कर लिया है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। लास्ट ईयर टॉम मूडी जो है वो थे इनके हेड कोच, काफी अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उन्होंने जो है अपने पद से रिजाइन दे दिया था और यहां पर नया हेड कोच जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है ट्रेविस बैलिस को। ट्रेविस बैलिस की अगर बात करें तो इस समय वो इंग्लैंड के कोच है जहां पर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। इससे पहले KKR जब 2 टाइटल जीती थी तब वो KKR के हेड कोच थे, तो काफी अच्छा ये डिसीजन जो है वो लिया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं 4 ऐसी टीमों की जिनके हेड कोच हमें बिल्कुल सेम दिखाई देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। ये टीम जो है कोई भी चेंज अपने हेड कोच में नहीं करेगी। सबसे पहली टीम है यहां पर चेन्नई सुपर किंग की, जिनके हेड कोच है स्टीवन फ्लेमिंग और यही अगले साल भी यानी कि IPL 2020 में भी हेड कोच होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के। दूसरी टीम है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की, रिकी पोंटिंग इनके हेड कोच है और यही हमें अगले साल भी जो है अपने पद पर दिखाई देने वाले हैं। तीसरी टीम है यहां पर मुंबई इंडियंस की, जिनके हेड कोच है महिला जयवर्धने और IPL 2020 में भी यही हमें जो है वो यहां पर इस पद पर दिखाई देने वाले हैं। और चौथी टीम है यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनके हेड कोच है गैरी कर्स्टन और यही जो है रहने की उम्मीद है कि दोबारा से हेड कोच गैरी कर्स्टन ही जो है वो होंगे। तो ये है वो 4 टीमें जो कि अपने हेड कोच में कोई भी बदलाव नहीं करने वाली। बाकी दोस्तों 3 टीमों की बात कर लेते हैं जो कि आने वाले समय में अपना नया हेड कोच जो है अनाउंस कर सकती है। यहां पर पहली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनके जैक कैलिस ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है, नए हेड कोच को ढूंढ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जल्द जो है अपना नया हेड कोच अनाउंस करने वाली है। दूसरी टीम है यहां पर किंग्स 11 पंजाब की, इनके भी हेड कोच माइक हैसन ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब किंग्स 11 पंजाब की भी जो टीम है वो नया हेड कोच अनाउंस करेगी, अपॉइंट करने वाली है। और यहां पर बात करें तीसरी और आखिरी टीम की तो वो हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की टीम के इस समय हेड कोच है पैडी ऑप्टन, जो कि लास्ट ईयर भी थे लेकिन परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स का उतना अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में RR की टीम भी जो है चेंज कर सकती है और इन्हें यहां पर हेड कोच से हटा सकती है। देखते हैं आने वाले समय में ये होता है या फिर नहीं। बाकी सभी टीमों की हमने बात करी, कौन कौन सी टीम जो है सेम हेड कोच रखने वाली है, कौन कौन सी टीम जो है वो बदलने वाली है अपना हेड कोच। अब दोस्तों आपको क्या लगता है इन 8 टीमों में से कौन सी टीम के पास है सबसे बढ़िया हेड कोच? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।